जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कड़ा संज्ञान लिया है, उन्होंने सारे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी इस साजिश में या इस जालसाजी में मुलव्वस होगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, नहीं बच सकेगा। ये अगर जालसाजी सच निकली तो बहुत चिंताजनक ये विषय होगा, क्योंकि हज़ारों की तादाद में वो बच्चे जो ईमानदारी से जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए और दूसरी तरफ जालसाजी करके अगर पेपर पहले लीक कर दिया जाता है तो ये बड़ी ऐसे मेहनतकश बच्चों के लिए तकलीफ शुदा बात है। इसलिए इस प्रकार की धांधली और साजिशबाजी नहीं चल सकती। क्या लगता है कि अब री एग्ज़ाम होगा? देखिए, जो भी होगा पहले मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इसमें मुलव्वस पकड़े जाएंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, और जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया वो बचेगा नहीं। लेकिन सर देखा जाता है कि हमेशा से जेके एसएसपी जो हमेशा से नहीं रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, उसमें हमेशा से कि ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें भी बच्चों को जो है, देखिए जो दो दो किस्म की ये चीज़ें दो नंबर की सामने आ रही हैं, ये इन सारे मामलात की तहकीकात होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल फेयर, जो इसमें मुलव्वस है वो बचेगा नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने होम सेक्रेटरी साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी तश्कील दी है और हमें पूरा विश्वास है इसमें सच्चाई सामने आएगी।